हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? अच्छे होंगे पता है मुझे, क्योंकि आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी तरह से चल रही है, लगातार क्लासेस लग रही है, क्यों ना? सही है ना? चलिए, मैं फिर से आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, गुरुत्वाकर्षण का अध्याय चल रहा है। हमने गुरुत्व त्वरण के बारे में पढ़ लिया, गुरुत्व विभव के बारे में पढ़ लिया, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया, और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पलायन वेग। पलायन वेग अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बोर्ड आपका जो भी पेपर होगा फाइनल एग्जाम, उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन आना ही आना बनता है। चाहे एक न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे पूरा पलायन वेग का एक डेरिवेशन आ जाए। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, हर चीज क्लियर करूंगा, चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, भरोसा है ना? चलो आओ, सबसे पहले देखिए पलायन वेग। पलायन क्या होता है? पलायन इंग्लिश में बोलते हैं स्केप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? स्केप बोलते हैं। पलायन का मतलब क्या समझते हो? स्केप। स्केप का मतलब होता है किसी एक जगह को छोड़कर बाहर चले जाना। किसी एक जगह को छोड़कर क्या चले जाना? बाहर चले जाना, उसको हम बोलते हैं पलायन। जैसे मान लो मैं इस जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला गया और मैं वापस कभी यहां नहीं आ रहा हूं, तो मैं यहां से क्या कर गया? पलायन कर गया। होता है नहीं होता? तो पलायन का मतलब होता है एक जगह को छोड़कर वापस चले जाना है। लेकिन सर, इस गुरुत्वाकर्षण वाले अध्याय में पलायन का क्या मतलब होता है? इस गुरुत्वाकर्षण के अध्याय में पलायन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई वस्तु है पृथ्वी पर, या वो किसी भी ग्रह पर है, ठीक है, और हमने उसको उस ग्रह से निकाल के बाहर फेंक दिया, ग्रह से निकाल के बाहर भेज दिया, किसी दूसरे ग्रह पे भेज दिया, या उस ग्रह से निकाल के किसी दूसरे ग्रह पे किसी दूसरे जगह पर भेज दिया, यानी कि हमने उसको क्या करवा दिया? पलायन करवा दिया। और अगर उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो उसको कुछ ना कुछ वेग देना पड़ेगा। तो वह वेग जिसके द्वारा किसी एक वस्तु को उस जगह से निकाल के किसी दूसरे जगह पर भेज दिया जाता है, उसको बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है, हम यहां पर बात करेंगे पलायन वेग में, पृथ्वी से संबंधित पलायन वेग की। लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं, मैं जो भी फॉर्मूले निकाल रहा हूं केवल पृथ्वी के लिए ही नहीं, इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं जिनके पास द्रव्यमान है, जिनके पास त्रिज्या है, हर चीज के लिए वह वैलिड होता है। जैसे कल हमने गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा देखी, वैसे ही, और गुरुत्व विभव देखा, वैसे ही पलायन वेग भी हर ग्रह के लिए लागू होगा। कोई जरूरी नहीं है केवल पृथ्वी के लिए, लेकिन हम सभी पृथ्वी पे रहते हैं, इसीलिए मैं पृथ्वी को ही रेफरेंस मान के यहाँ डेरिवेशन करूंगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं पलायन वेग क्या होता है, तो देखो पलायन वेग की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, तो मैं कहता हूं कि पृथ्वी की सतह से, या किसी भी पृथ्वी की सतह से, अगर मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं तो मैं पृथ्वी के लिए बात करूंगा, पृथ्वी की सतह से या किसी भी ग्रह की सतह से किसी वस्तु को दिया जाने वाला, किसी वस्तु को दिया जाने वाला वह न्यूनतम वेग, दिया जाने वाला वह न्यूनतम वेग, कौन सा वेग? वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र, पृथ्वी के या उस ग्रह के जिस ग्रह से हम फेंक रहे हैं के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चली जाए, गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चली जाए और पुनः लौटकर ना आए, बाहर चली जाए वह, और पुनः लौटकर ना आए, और पुनः लौटकर ना आए, ना आ पाए, ऐसा वेग पलायन वेग कहलाता है। ऐसा वेग क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात समझ में आई या नहीं आई? देखो कैसे, अभी मैं इस बात को और एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास ये पेन है, ठीक है, अगर आपके पास भी कोई ना कोई वस्तु होगी, गेंद होगी, आप उसको ऊपर फेंको तो आप क्या देखते हो? कुछ समय बाद वो वापस आपके हाथ में आ जाती है।
आपने और जोर लगा के फेंका, लेकिन आपने फिर देखा कि वो वापस आपके हाथ में आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब भी आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हो तो पृथ्वी का गुरुत्व क्षेत्र के कारण उस पर एक बल लगता है, और उस बल के कारण वो कहाँ आ जाती है? वापस आपके हाथ में आ जाती है। लेकिन आप जरा ऐसा सोचो कि आपने उस वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर फेंक दिया है, आपने उस वस्तु को इतनी वेग दे दिया, इतना वेग दे दिया कि वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चली गई, क्या अब उस पर कोई बल होगा लगने वाला? नहीं होगा। तो वो वापस लौट के आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। समझना, मान लो ये पृथ्वी है और इसका गुरुत्व क्षेत्र यहां तक है, मान लेता हूं इसका गुरुत्व क्षेत्र यहां तक है। अगर आपने किसी वस्तु को यहां तक फेंका तो वो क्या गुरुत्व क्षेत्र के अंदर है? हाँ है सर। तो वो वापस कहाँ आ जाएगी? पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। आपने थोड़ा सा वेग और फेंका, वेग और बढ़ाया, वस्तु मान लो यहां तक पहुंची, लेकिन वस्तु अभी भी कहाँ है? गुरुत्व क्षेत्र के अंदर है। तो वस्तु वापस कहाँ आ जाएगी? आकर्षण के कारण, आकर्षण के कारण वस्तु वापस पृथ्वी पे आ जाएगी। लेकिन सपोज करो आपने इतना वेग दिया, इतना वेग दिया कि ये इसके गुरुत्व क्षेत्र से कहाँ चली गई? वापस चली गई। जैसे ही इसके गुरुत्व क्षेत्र से बाहर गई, क्या अब इस पर कोई बल लगने वाला है? क्या अब कोई इस पर बल लगने वाला है? नहीं है। तो ये इसके गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चली गई और वापस आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। इसका मतलब अगर आपने यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड का वेग दिया है, यहां मान लो 10 दिया है, और यहां पर आपने मान लेता हूं 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, यानी कि यह 20 मीटर वह वेग है जिस वेग से, वह न्यूनतम वेग है जिसके वेग से ये पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चली गई और वापस लौटकर नहीं आ रही है। तो ऐसा वेग ही क्या कहला पा रहा है? पलायन वेग कहला रहा है। अगर आप 20 से ज्यादा वेग दोगे तो भी नहीं आएगी। 20 वह न्यूनतम वेग है जिससे ये पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से कहां चली गई, या उस ग्रह के गुरुत्व क्षेत्र से कहां चली गई? बाहर चली गई। अब इसको आकर्षित करने वाला कोई नहीं है। इस तरह का जो वेग होता है उसे हम बोलते हैं पलायन वेग। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अभी मैं पृथ्वी के लिए पलायन वेग का या किसी भी ग्रह के लिए जो फॉर्मूला निकालने वाला हूं वो किसी भी ग्रह के लिए लागू होगा। मैं पृथ्वी को मान के समझाऊंगा और वह आप किसी भी ग्रह के लिए लगा लेना, उत्तर आ जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, उससे पहले मैं पूरा डेरिवेशन आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये रही हमारी पृथ्वी या कोई भी ग्रह है, ये रहा, इसका द्रव्यमान मैं मान लेता हूं m और इसकी त्रिज्या मैंने बोल दी मान लो r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेता हूं कि मैं यहां पर पृथ्वी की सतह पर वस्तु थी और मुझे इसको कहां भेजना है? पृथ्वी की सतह से बाहर अनंत पर भेजना है। मैं ये मानता हूं कि अनंत पर गुरुत्व क्षेत्र क्या है? शून्य है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि पृथ्वी का गुरुत्व क्षेत्र अनंत तक है, अनंत पर पृथ्वी का गुरुत्व क्षेत्र क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था गुरुत्व क्षेत्र का, gmm/r। और जरा सोचिए अगर मैं अनंत पे पहुंच जाऊं तो r का मान कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और r का मान अनंत होने पर गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यानी कि अनंत पर कोई भी गुरुत्व बल या गुरुत्व क्षेत्र कार्य नहीं करता। अब इस वस्तु को मुझे कहां भेजना है? इस वस्तु को मान लो मुझे कहां भेजना है? अनंत पे भेजना है। कल मैंने डेरिवेशन किया था, तो सपोज कीजिए मेरी वस्तु कहां पे थी? जरा सोचिएगा मेरी वस्तु कहां पे थी। कल जब मैंने डेरिवेशन किया था तो मैं वस्तु को कहां पे लाया था? आर दूरी पे लाया था। ये दूरी आर है और वस्तु यहां पे थी, और इस वस्तु और इस वस्तु के बीच में क्या था? एक गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा थी या नहीं थी? अब मुझे इसको यहां से बाहर फेंकना है, बाहर फेंकना है। तो सपोज कीजिए मैंने इसको फेंकने के लिए बाहर फेंका, ये मान लो बाहर जा रही है। मैं बीच में एक दूरी मानता हूं, बीच में एक स्थिति मानता हूं, वो एक्स स्थिति कितनी मान ली मैंने? एक्स मान ली। भाई मान लो मैं ये ऐसा कहना चाह रहा हूं, इस द्रव्यमान को मैंने फेंका, यहां से फेंका, ये कहां जा रहा है? अनंत पर। फिर मैंने बताया ये एक साथ इतना वेग नहीं दे पाऊंगा, ये वेग धीरे धीरे दिया जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं अगर ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है और कहां तक पहुंच रहा है? अनंत पर। मैं मान लो बीच में एक स्थिति लेता हूं, बीच में एक स्थिति लेता हूं, और इस स्थिति के लिए विस्थापन कितना मान लेता हूं? एक्स। याद करिएगा कल वाला डेरिवेशन आज वाला डेरिवेशन समानता है। कल हम अनंत से लेके आए थे, आज हम वापस अनंत पर भेज रहे हैं। तो जरा देखो कि मैं कह रहा हूं कि इस m द्रव्यमान को अनंत पर भेजना है, और इसको भेजेंगे कैसे? एक साथ वेग नहीं दिया जा सकता, वेग धीरे धीरे दिया जाता है। तो कार्य भी क्या होगा? धीरे धीरे होगा। अब मान लो ये द्रव्यमान था m,
ठीक है, और ये द्रव्यमान m है, इन दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना लिखा जाएगा? तो सर आप बोलोगे सर जी एम एम बटा एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। सर बिल्कुल लिखा जाएगा, और चूंकि ये द्रव्यमान धीरे 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 अनंत की ओर जा रहा है तो किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा जल्दी से बताओ, किया गया कार्य कितना होगा? सर किया गया कार्य भी तो छोटा सा होगा, और वो होगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स। डीएक्स क्यों लिखा? क्योंकि छोटे से अंतराल के लिए विस्थापन कितना है, छोटा सा है, छोटा सा है, और हम वस्तु को कहां ले जा रहा हूं, आर से कहां ले जा रहा हूं, अनंत पे ले जा रहा हूं, आर से कहां ले जा रहा हूं, अनंत पर ले जा रहा हूं, आर से कहां ले जा रहा हूं, अनंत पर ले जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, आर से कहां ले जा रहा हूं, अनंत पे ले जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो यहां दोनों तरफ हमने क्या किया, अवकलन समाकलन कर दिया। डी डब्ल्यू क्या बन गया, डब्ल्यू बन गया कहां से कहां तक, आर से अनंत तक। एफ का मान कितना है सर, जी एम एम बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई बात समझ में? सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो यहां देखना, जी नियत है, एम नियत है, एम नियत है, आर से अनंत लिखा, वन बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। याद करो वन बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन, अगर याद नहीं आ रहा है कल वाला वीडियो जाके देखो, तो मैंने वहां लिखाया था जी एम एम और वन बट्टा एक्स स्क्वायर का होता है माइनस का वन बट्टा एक्स, माइनस का वन बट्टा एक्स, ये माइनस मैंने यहां लिख दिया। सीमा कितनी है, सीमा कितनी है, अरे सीमा कौन सी, निम्न सीमा और उच्च सीमा की बात कर रहा हूं, उस सीमा की बात नहीं कर रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। हाँ, डब्ल्यू बराबर माइनस का जी एम एम बट अपर लिमिट कितनी है, अनंत, छोटी वाली लिमिट कितनी है, आर। क्या बन गया, एक बट्टा अनंत कितना होता है, एक बट्टा अनंत कितना होता है, एक बट्टा अनंत कितना होता है सर, जीरो होता है, माइनस का एक बट्टा आर। तो डब्ल्यू बराबर क्या बन के आ गया जल्दी से बताओ, डब्ल्यू बराबर क्या बन के आ गया, प्लस का जी एम एम बट्टा आर। मेरी बात एकदम यहां तक क्लियर? इसका मतलब हमें इतना कार्य करना पड़ेगा, हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। क्या, किस चीज के लिए? अगर किसी वस्तु को मैं पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर भेजना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे इतना कार्य करना पड़ेगा, और इस कार्य को करने के लिए मुझे इसको कुछ ना कुछ वेग देना पड़ेगा, और वही जो वेग मैं इसको दे रहा हूं, यही मैं ये न्यूनतम वेग देना पड़ेगा मुझे। क्योंकि अगर मैं इस द्रव्यमान को अनंत पर भेजना चाहता हूं तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करने के लिए मुझे उसको कुछ ना कुछ वेग देना पड़ेगा। मान लो मैं इसको यहां वेग देता हूं v, अगर मैंने इसको वेग दिया है v, तो यह मेरा कार्य किसके बराबर हो जाएगा, क्या गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब मैं इसको वेग दूंगा तभी तो ये यहां से उतर के इनफाइनाइट पे जाएगा, तो यानी कि मेरा किया गया कार्य इस वस्तु को दी जाने वाली गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, इस वस्तु को दी जाने वाली गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। मैंने कार्य कितना किया, जी एम एम बट आर, और गतिज ऊर्जा कितनी हुई, इस द्रव्यमान को यहां से गुरुत्व क्षेत्र के बाहर फेंकने के लिए गतिज ऊर्जा कितनी दे दी, हाफ एम वी ई स्क्वायर। और मैं कहता हूं ये वी वही वेग है जिस वेग से इस द्रव्यमान को ऊपर की तरफ फेंका, जिससे ये पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से कहां चली जाए, बाहर चली जाए और वापस लौट कर ना आए। तो हमने लिख दिया, हमने बोला m से m कहां गया, सर गायब हो गया। m से m कहां गया, गायब हो गया, बिल्कुल सही बात है, m से m गायब हो गया। तो v e स्क्वायर बराबर क्या बन गया सर, 2 g m बट r बन गया, r बन गया, देखो आया ना। अगर मान लो मैं कहता हूं कि इस वस्तु को मैं यहां से नहीं, मैं पृथ्वी की सतह से फेंक रहा हूं, अगर ये वस्तु r दूरी की जगह अगर पृथ्वी की सतह पे होती, मान लो ये पृथ्वी की सतह पे होती, तो इसकी दूरी कितनी लिखी जाती, r लिखी जाती। और पलायन वेग की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से गुरुत्व क्षेत्र के बाहर फेंकने के लिए, निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, जो आवश्यक वेग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग। यानी कि पृथ्वी की सतह से निकालना है, ये पृथ्वी की सतह पर ये द्रव्यमान होगा तो इसकी दूरी कितनी लिखी जाएगी, r। यानी कि अगर ये वस्तु पृथ्वी की सतह पर है
पृथ्वी की सतह पर है, ध्यान रखना। अगर वस्तु पृथ्वी की सतह पर है, क्योंकि पलायन वेग की परिभाषा क्या कहती है कि पृथ्वी की सतह से वस्तु को फेंकना है, यानी कि जो r का मान किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं तो वो कितना हो जाएगा सर, 2gm/r अकॉर्डिंग टू परिभाषा। परिभाषा के अनुसार, परिभाषा यही कहती है पृथ्वी के सतह से तो पृथ्वी की त्रिज्या ली जाएगी, ठीक है। तो ve बराबर क्या बन गया, रूट का 2gm/r। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात तुम ध्यान से देना, यहां g क्या है, यहां गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। m क्या है, m इस वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, m उस ग्रह का द्रव्यमान है जिससे वस्तु को फेंका जा रहा है। r क्या है, r उस ग्रह की त्रिज्या है जिससे वस्तु को निकाला जा रहा है। यहां पे पृथ्वी की बात कर रहा हूं तो मैं त्रिज्या पृथ्वी की रखूंगा, द्रव्यमान पृथ्वी का रखूंगा। अगर मैं यहां पर जुपिटर की बात करता, यहां बुध ग्रह की बात करता, यहां चंद्रमा की बात करता, तो मैं यहां द्रव्यमान चंद्रमा का रखूंगा, त्रिज्या चंद्रमा की रखूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ये वो न्यूनतम वेग है जिससे अगर आप किसी पृथ्वी वस्तु को फेंकोगे तो वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इस फॉर्मूले में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करता हूं, जरा ये फॉर्मूले को देखिएगा। मैं यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले के वापस लिखने की कोशिश करूं तो आप देखिएगा क्या बन रहा है, ve इक्वल टू, चलिए मैं अगले पेज में लेता हूं इसको। हमने फॉर्मूला देखा ve बराबर रूट 2gm/r, ये फॉर्मूला हुआ मेरा पलायन वेग का। किसका फॉर्मूला हुआ, पलायन वेग का, ठीक है। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा और मैं चेंज कर सकता हूं और मॉडिफाई कर सकता हूं। हम जानते हैं कि g बराबर क्या होता है, gm/r² होता है, होता या नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो यहां से अगर मैं पूछूं g into r बराबर क्या बनेगा, gm/r बनेगा या नहीं बनेगा, बताना मुझे। एक r को यहां गुणा कर दिया तो gm/r की जगह क्या लिख सकता हूं, रूट dr लिख सकता हूं क्या, gm/r की जगह रूट gr लिख सकता हूं। इस फॉर्मूले में लिख दो, लिख दो तो रूट का 2gr आ गया। अगर क्वेश्चन ग्रह के द्रव्यमान, ग्रह की त्रिज्या ऐसा दिया रहे, यदि क्वेश्चन में ग्रह का द्रव्यमान या ग्रह की त्रिज्या के बारे में बात की रहे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। यदि क्वेश्चन में ग्रह की त्रिज्या और गुरुत्व त्वरण का मान दे रखा हो, यदि क्वेश्चन में ग्रह की त्रिज्या और गुरुत्व त्वरण का मान दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। कौन सा लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर घनत्व के रूप में पूछा जाए, अगर क्वेश्चन घनत्व के रूप में दे रखा हो, जैसे घनत्व के रूप में कैसे, अभी मैं बताता हूं। अगर क्वेश्चन घनत्व के रूप में दे रखा हो तो देखिएगा क्या बनेगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, ठीक है। m बराबर रो इंटू वी, और v का मान कितना होता है जल्दी से बताओ, v का मान कितना होता है, 4/3 πr³, होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। चलिए फॉर्मूले में रखिए, फॉर्मूले में रखिए 2gm कितना है, रो इंटू 4/3 πr³, हाँ या ना बोलेंगे, सर होगा, बिल्कुल होगा। नीचे क्या है, r है, एक r से एक r कैंसिल हुआ, फॉर्मूला क्या बन के आया, ध्यान से देखिएगा, 4 × 2 = 8/3, 4 × 2 = 8/3 जी रो पाई आर स्क्वायर, इस r को बाहर ले लो, r को बाहर ले लो, क्या बन के आया, 8/3 जी रो पाई। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी निकल के आ गया, देखो कितना आसान है। ये दिखाता है घनत्व को, ये दिखाता है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक को। अगर ध्यान से देखो तो सारी संख्याएं नियत है, सारी संख्याएं नियत है। अगर क्वेश्चन घनत्व के रूप में दे रखा हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर क्वेश्चन जी और आर के फॉर्म में दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन द्रव्यमान और त्रिज्या के रूप में दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्लियर है। तो ये पलायन वेग का सूत्र सब ग्रह के लिए वैलिड है, ठीक है। तो कुछ बातें मैं बता देता हूं कि ये जो पलायन वेग का जो सूत्र निकाला है मैंने, पलायन वेग का सूत्र सभी ग्रह के लिए लागू होता है, सभी ग्रह के लिए लागू है, ठीक है, सभी ग्रह के लिए लागू है। पहली इंपॉर्टेंट बात,
दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या लिखनी है आपको, देखिए इस वीडियो को पढ़ने के बाद पलायन वेग में कोई दिक्कत नहीं आओगी, लागू होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बोलोगे, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान क्या है, पलायन वेग का मान ध्यान से सुनिएगा, पलायन वेग का मान क्या है, क्या किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के जिस वस्तु को आप फेंकना चाहते हो गुरुत्व क्षेत्र से बाहर, उस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं पृथ्वी के लिए बात करूं, पृथ्वी के लिए फॉर्म मैं पलायन वेग का मान निकालना चाहूं, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 2gr लगा लो, चाहे कोई सा भी लगा लो, तो 2g का मान 9.8, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है आपको कल बताई थी मैंने, 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 × 10 की घात 6। अगर मैं इसके मान को रखूं तो ये लगभग 11.2 किलोमीटर/सेकेंड आता है। इसका मतलब अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकना चाहते हो तो उसको आपको न्यूनतम वेग कितना देना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर/सेकेंड का वेग देना पड़ेगा। अगर आप इस पैन को भी पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर फेंकना चाहते हो तो आपको न्यूनतम वेग कितना देना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर/सेकेंड का वेग देना पड़ेगा। अगर आप मुझे फेंकना चाहते हो, सर मुझे फेंक दोगे तो कौन पढ़ाएगा फिजिक्स, मुझे मत फेंकना, कोई और चीज ले लेना। आप किसी और बड़ी चीज को, कोई पत्थर ले लो, कोई और चट्टान ले लो, कोई बड़ी बुक ले लो, कोई कुर्सी ले लो, किसी भी चीज को अगर बाहर फेंकना चाहते हो तो उसको कम से कम क्या देना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर/सेकेंड देना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक बात लिखवा चुका हूं कि पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, चाहे 10 किलो का वस्तु हो, चाहे 20 किलो की हो, चाहे 50 किलो की हो, चाहे 70 किलो की हो, चाहे एक चूहा हो, चाहे एक शेर हो, किसी को भी फेंकना है कम से कम न्यूनतम वेग कितना देना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर/सेकेंड देना पड़ेगा। अगर ये नहीं दोगे तभी तो कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसको कम से कम 11.2 किलोमीटर/सेकेंड का वेग प्राप्त करना पड़ता है। अगर ऐसा प्राप्त नहीं करेगा तो वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में ही रह जाएगा और रॉकेट लॉन्च हो ही नहीं पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एक बात और बता देता हूं इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आएगा, सारे पॉइंट में यहां क्लियर कर दूंगा तुम्हारे। चौथी इंपॉर्टेंट बात, वस्तु को किसी भी कोण पर फेंका जा सकता है, वस्तु को किसी भी कोण पर फेंका जा सकता है, किसी भी कोण पर फेंका जा सकता है, किसी भी कोण पर फेंका जा सकता है। बस ये बात ध्यान रखो, किसी भी कोण पर फेंका जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, कई बार क्वेश्चन आएगा कि अगर उसको मैं 45 डिग्री कोण पर फेंक दिया वस्तु को तो कितना वेग देना पड़ेगा, अगर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक दूं तो कितना कोण देना पड़ेगा, वस्तु को अगर 30 डिग्री के कोण पे फेंक दूं तो कितना कोण वेग देना पड़ेगा। तो इन सारी स्थितियों में उत्तर एक ही है, इन सारी स्थितियों में उत्तर एक ही है, वस्तु को बाहर फेंकना है पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से 11.2 किलोमीटर/सेकेंड का वेग देना पड़ेगा। चाहे कोण कोई भी हो, चाहे दिशा कोई भी हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चौथी इंपॉर्टेंट लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि हम यहां पर हवा के प्रतिरोध का नगण्य मानते हैं, यहां पर हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं। अगर हवा के प्रतिरोध को क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। अगर हवा का प्रतिरोध ले लिया जाए, तो हमें पलायन वेग के मान को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हवा का प्रतिरोध हमारे वेग का क्या करेगा, विरोध करेगा, करेगा या नहीं करेगा, अब तो वस्तु बाहर जा नहीं पाएगी, यानी कि वस्तु को बाहर फेंकना है तो हवा के प्रतिरोध से ऊपर जाना पड़ेगा, तो हमें कुछ ना कुछ वेग बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं वास्तविकता की बात करूं तो पलायन वेग का मान 11.2 से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी जो माना है, हमने माना यह है कि हवा का प्रतिरोध नगण्य है। क्या वास्तव में हवा का प्रतिरोध नगण्य होता है? नहीं होता है, हवा का प्रतिरोध रहता है। अतः हमें जो मान देना पड़ता है वास्तविकता में, यह मान इससे कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, कुछ बड़ा होता है। लेकिन क्योंकि ये अपने आप में खुद ही बहुत बड़ा है, ऐसा भी देखो,
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेग आपको देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि पलायन वेग से संबंधित सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक बात और बताता हूं, अलग अलग ग्रह के लिए पलायन वेग का मान अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान मैंने कितना बोला, 11.2। चंद्रमा के लिए कितना होता है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए होता है 618 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देख लो सूर्य अपने आप में क्या एक ब्लैक होल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उससे किसी वस्तु को निकालना है तो लगभग 618 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि आप सोचो इतना बड़ा वेग देना पड़ेगा, क्योंकि उसका गुरुत्वीय क्षेत्र बहुत ज्यादा मजबूत होता है। जैसे ब्लैक होल का होता है, वैसे ही इसका भी गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। किसका, सूर्य का। तो जैसे क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य की त्रिज्या बहुत ज्यादा होती है, सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसका पलायन वेग का मान भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। समझ में आ रही है? तो हर ग्रह के लिए इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि हर ग्रह के द्रव्यमान और हर ग्रह की त्रिज्याएं क्या होती है, अलग अलग होती है। 11.2 किसके लिए है, ये पृथ्वी के लिए है, याद रखना। किसके लिए है, पृथ्वी के लिए, क्योंकि हम कहां रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, अतः पृथ्वी का तो हमें मालूम होना जरूरी है। क्लियर है सारी बातें? यह था पलायन वेग से संबंधित डेरिवेशन। अगर आप ये सारी बातें याद रखते हो, मैं कहता हूं पलायन वेग का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, और इस वीडियो को बिना लाइक किए तुम जा नहीं सकोगे, क्योंकि इससे ऊपर पलायन वेग में कुछ भी नहीं आता। मैंने सारी बातें एकदम अच्छे से आपको बता दी है। आओ देखते हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखें। आओ क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या दे रखी है और इस पर जी का मान दे रखा है, जल्दी से बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। पलायन वेग के लिए मेरे पास सर बहुत सारे फॉर्मूले थे, एक तो था सर रूट का 2gm/r था। अरे हाँ या ना बोलो, सर बिल्कुल था। एक फॉर्मूला और लिखाया था, वो क्या था, रूट का 2gr। सर कौन सा लगाऊं, घनत्व तो दे नहीं रखा, यहां देखो g का मान दे रखा है, यहां देखो त्रिज्या का मान दे रखा है, सर बिल्कुल दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला या ये वाला। सर हमें तो ये तो नहीं पता, आप ये काम करो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। मैंने कहा ये लो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। जी का मान कितना है, 9.8। ये कितना है, 6.4 × 10^6। हालांकि मैं इसका मान निकाल के आ चुका हूं। जब हम इसको गुणा करके हल करेंगे, आप खुद घर के हल करके देखिएगा और चेक करिएगा कि मेरा आंसर और आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता है। अगर आप ये करोगे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको उसका पर्सनली रिप्लाई करूंगा। चलिए 9.8 × 2 × 6.4 × 10^6 गुणा करेंगे इसको तो ये लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। आपका आंसर मीटर में आएगा, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेना। ये आंसर लगभग बता देता हूं, इसके आसपास आपका आंसर आएगा। किसी का आंसर 11 किलोमीटर पर सेकेंड भी आ जाएगा, किसी का मीटर में आएगा। ध्यान रखना, मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? उम्मीद कर रहा हूं एकदम क्लियर है क्वेश्चन। देखो पलायन वेग का सूत्र निकाल लिया। ये किसके लिए बात करिए, पृथ्वी के लिए बात करिए। तो हमने जी किसका रखेंगे, पृथ्वी का। त्रिज्या किसकी रखेंगे, पृथ्वी की रखेंगे। एकदम क्लियर है, हाँ या ना बोलेंगे, बिल्कुल क्लियर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आंसर अपना निकाल के, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा से किसी पिंड का पलायन वेग ज्ञात कीजिए, चंद्रमा से किसी पिंड का पलायन वेग ज्ञात कीजिए। चंद्रमा को एक समान त्रिज्या का गोला मान ले, चंद्रमा को एक समान त्रिज्या का गोला मान ले, और जिसकी त्रिज्या इतनी है और द्रव्यमान इतना है। अरे वाह, अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। चंद्रमा से किसी पिंड का पलायन वेग, अब देखो मैं इतनी देर बाद क्या कह रहा था ना, कि जो पलायन वेग का जो सूत्र निकाला है वो सबके लिए लागू है। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उस ग्रह का द्रव्यमान, उस ग्रह की त्रिज्या, उस ग्रह का घनत्व, उस ग्रह के जी का मान सब हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैंने कहा चंद्रमा के लिए, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, आइए इस क्वेश्चन को कर ले हम यहां। देखो कैसे करें, आओ देखो।
देखो 2gm बटे r, ये वाला सर आपने कैसे सोचा? क्योंकि देखो अगर मैं इस फॉर्मूले के बारे में भी मैंने सोचा, लेकिन चंद्रमा के लिए g का मान नहीं दे रखा था, पर चंद्रमा के लिए इस g का मान, इस m का मान और इस r का मान दे रखा है। मैंने यहां रखा 2 × 6.67 × 10^-11 गुणा द्रव्यमान कितना है 7.36 × 10^22 बटा कितना आर, कितना होता है सर 10^6 होता है। करना क्या है फाइनली करना क्या है, गुणा भाग जोड़ जो भी करना है आपको करना है, मैंने आपके सामने दे दिया है। उत्तर आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, आई एम लिविंग एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। गुणा भाग आपको करनी है जो आपने क्लास 8, 9, 10 में सीखी है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखना है। पक्का जरूर करोगे, उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। एकदम क्लियर है फॉर्मूला कैसे लगाया, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन को देखें तो क्या देखते हैं कि यदि किसी ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी है, मान लेता हूं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है RE, और किसी ग्रह की त्रिज्या कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या की, कितनी है दुगुनी है सर, लेकिन उसका औसत घनत्व समान है। यानी कि अगर मैं पृथ्वी का घनत्व बोलूं और इसका घनत्व बोलूं तो दोनों घनत्व क्या है समान है, घनत्व क्या है समान है। तो यदि ग्रह और पृथ्वी पर पलायन वेग इतना है, ग्रह और पृथ्वी पर पलायन वेग इतना है और ग्रह पर पलायन वेग इतना है, तो बोलते हैं सिद्ध कीजिए कि Vp बराबर 2ve होता है। यानी कि जो ग्रह का पलायन वेग है वो पृथ्वी के पलायन वेग का कितना होता है दुगुना होता है, पृथ्वी के पलायन वेग का क्या होता है दुगुना होता है। सर इसमें कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, जरा याद करो कुर्बानी। अभी आप पढ़ के आए थे कौन सा फॉर्मूला, घनत्व की बात आ रही है सर, घनत्व की बात आई थी, तो याद करो कौन सा फॉर्मूला लिखा था। आहा, कौन सा फॉर्मूला लिखा था, 8/3 πρ g, क्या यही फॉर्मूला लिखा था क्या, चलो चेक करवाता हूं मैं तुम्हें, वेरी गुड, मैं चेक कराता हूं क्या लिखा था 8/3 g ρ π, यही वाला लिखा था ना घनत्व में 8/3 g ρ π, 8/3 g ρ π लिख दिया। अगर अर्थ के लिए इतना है ठीक है, अब यहां पे तो दिक्कत आ गई ना सर, यहां कुछ गलती हो गई क्या, देखें क्या गलती हो गई, यहां पर r था ना, r है, ये तो गलती दिखा ना, इसको सही करो सर, इसको सही करो, ये लो r लिख दिया ना। अब बताओ 8/3 π, घनत्व समान है, जी का मान भी क्या है समान है, अरे हाँ या ना सर, सही है। अच्छा ग्रह के लिए त्रिज्या कितनी है, ग्रह के लिए त्रिज्या कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी, पृथ्वी की त्रिज्या ये, इसकी त्रिज्या दोगुनी, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्या है समान है, क्या है समान है, भाग दे दो, ओहो हो, भाग दे दो, दे दिया सर। ये देखो कट जाएगा क्या सर, कट जाएगा, देखो कितना आसान बना दिया, RE/2RE कट गया क्या, Vp = 2ve, अरे हाँ या ना, अरे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो सच है कि प्रक्षेपी गति आसान है। बोलो आई या नहीं आई समझ में, बोलो कोई दिक्कत वाली बात, एकदम आसान है या नहीं है, क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और कराऊं, आओ देखें, हो आ गया। किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान के किस रूप में निर्भर करता है, जल्दी से बताओगे,
जल्दी से बताओगे किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान के किस रूप पर निर्भर करता है? मतलब अगर आप किसी द्रव्यमान को फेंक रहे हो तो पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान की पावर के किसके समानुपाती होता है? एम के, एम स्क्वायर के, एम की पावर 3 के और एम की पावर 0 के। सर आपने फॉर्मूला बताया कि पलायन वेग का मान ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी कि पिंड के द्रव्यमान पर वो निर्भर नहीं करेगा। और अगर निर्भर नहीं करेगा तो पावर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। समझ में आई बात? क्योंकि मैंने सूत्र लिखा था ना, ये जीएम बटा आर रूट का 2gr। आपने क्या देखा कि ये जो m तो उस ग्रह का द्रव्यमान है जिससे हम वस्तु को फेंक रहे हैं, वस्तु के या पिंड के द्रव्यमान पे तो निर्भर करता ही नहीं है ये तो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। लंबवत प्रक्षेपित पिंड के लिए पलायन वेग पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर इतना है, अगर वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 45 डिग्री पे कोण पे फेंका जाता है तो पलायन वेग क्या होगा? देखो लंबवत प्रक्षेपित पिंड के लिए, देखो अगर मान लो किसी ग्रह पृथ्वी से आपने किसी वस्तु को लंबवत फेंका, लंबवत फेंका तो इसके पलायन वेग का मान कितना निकल के आया? 11 किलोमीटर पर सेकेंड आया। अब कहता है उसी वस्तु को आप 45 डिग्री के कोण पे फेंको तो पलायन वेग का मान क्या होगा? थोड़ी देर पहले ही बता के आया। क्या बता के आया? मैंने बोला चाहे ऐसे फेंको, पलायन वेग का मान कोण पर निर्भर नहीं करता है। हर जगह पलायन वेग का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। बोलो हाँ या ना। क्या रहेगा? समान रहेगा। यानी कि इसके लिए भी उत्तर कितना आएगा? 11 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि पलायन वेग कोण पर तो निर्भर करता ही नहीं है। किसी भी दिशा में फेंक लो, कम से कम आपको इतना वेग तो देना ही पड़ेगा। बोलो एकदम क्लियर है, एकदम आसान है, एकदम अच्छे से बात समझ में आ गई। चले आगे। ब्लैक होल एक पिंड है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, जिसकी सतह से कुछ भी नहीं निकल पाता। बिल्कुल सही है भाई। ब्लैक होल क्या होता है? सर ब्लैक होल एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वीय क्षेत्र इतना मजबूत होता है सूर्य से भी। देखो सूर्य का कितना था? 618 यार, है ना। तो इतना मजबूत है कि उसमें से किसी वस्तु को निकालना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। ठीक है, एम द्रव्यमान का गोलाकार पिंड के ब्लैक होल होने के लिए क्या शर्त होगी? यदि ब्लैक होल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 9 गुना है। ब्लैक होल का द्रव्यमान क्या है? ब्लैक होल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 9 गुना है। तो हमें उस पिंड की त्रिज्या ज्ञात करनी है जो दो ब्लैक होल बनना चाहता है। तो देखो अगर कोई पिंड ब्लैक होल बनना चाहता है तो उसके लिए जो पलायन वेग का मान है, वो लगभग किसके बराबर होना चाहिए? जल्दी से बोलो, प्रकाश की चाल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की चाल से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई वस्तु ब्लैक होल बनना चाहती है तो उसमें से निकलने वाली जो वस्तु है उसका पलायन वेग है, पलायन वेग प्रकाश की चाल के बराबर या उससे कम होना चाहिए। अगर प्रकाश की चाल से तो कोई चीज ज्यादा होनी नहीं चाहिए, यानी कि ब्लैक होल बनने की ये शर्त आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक होल ऐसा है जिससे प्रकाश भी नहीं निकल पाता। और अगर आप चाहते हो कि कोई वस्तु ब्लैक होल बने तो उसका जो वेग है पलायन वेग वो प्रकाश की चाल के बराबर या उससे कम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी वो वस्तु क्या बन जा पाएगी? ब्लैक होल बन पाएगी। कैसे बन पाएगी? ब्लैक होल बन पाएगी, यानी कि इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होना चाहिए। ब्लैक होल के लिए कंडीशन है ये, याद रखिए। तो हमें यहां पे क्या याद करना है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि v की जगह मैं रख देता हूं c बराबर रूट का 2gm बटा r स्क्वायर बराबर 2gm बटा r। हमें त्रिज्या ही तो निकालनी है सर, c स्क्वायर बटा 2gm, अब जरा देखिए c का मान कितना लिखा जाता है, तीन इंटू 10 की घात 8 का स्क्वायर बराबर
टू जी का मान कितना लिखता है 6.67 × 10^-11 गुणा पृथ्वी का इस ग्रह का द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है 9 गुणा है, तो 9 × पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 6×10^24। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो लगभग इसका मान 10 सेंटीमीटर आता है लगभग। यानी कि अगर कोई वस्तु ब्लैक होल बनना चाहती है तो कंडीशन याद रखिएगा कि उसका पलायन वेग का मान प्रकाश की चाल के बराबर या उससे कम होना चाहिए। अगर इससे प्रकाश की चाल से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है उस पिंड की, उस पिंड की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर लगभग। आप इसको खुद करिएगा, खुद करके आंसर निकाल के चेक करिएगा क्या 10 सेंटीमीटर आता है या नहीं आता, लगभग 10 सेंटीमीटर आएगा। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आई होगी, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बस याद रखने की बात ये है, ये याद रखिएगा, ये याद रखने के लिए पॉइंट लिख दिया है, इंपॉर्टेंट बात है। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इस टाइप का, आप उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को करिएगा। मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं ये हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। मैं कह रहा हूं अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, यह हमारा आपके साथ वादा है। चलिए आज के टॉपिक को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।